सीएम शिवराज सिंह ने किया पोलिंग बूथ का दौरा, कहा जनता करेगी किस्मत का फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के लिए आज यानी शुक्रवार 17 नवंबर को वोटिंग हो रही है। मतदाता अपने वोट के जरिए मध्य प्रदेश के सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, साथ ही लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं। दरअसल पिछले दो दिन से प्रदेश में चुनावी रंग जमा था और जनता अपने अपने उम्मीदवारों को बारीकियों से देखने में लगी थी और टटोल रही थी। तो वहीं सभा राजनीतिक पार्टियां जनता को रिझाने की कोशिश कर रही थीं और आज प्रदेश की जनता अपना कीमती वोट देकर उनके किस्मत का फैसला करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और वोट की गुजारिश कर रहे हैं और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मतदान भी किया। दरअसल आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश की जनता वोट देने घर से निकल रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। चुनाव के बीच शिवराज सिंह चौहान रेहटी में मतदान केंद्र का दौरा किया है। सीएम शिवराज यहां लोगों से मिले, उनसे बात कर रहे हैं। इस दौरान वो अपने समर्थकों के बीच केक काटते भी दिखे हैं। मतदान के दिन सीएम चौहान एक्टिव हैं, वो लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने वोट देने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, मजबूत लोकतंत्र और प्रदेश के विकास के लिए मैंने वोट कर दिया है, आप भी अवश्य कीजिए। सीएम शिवराज ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गया और आज प्रदेश में मतदान हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों के नेता भी इस लोकतंत्र के महापर्व में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही सीएम चौहान ने जनता से अपील भी किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरी मध्य प्रदेश के मतदाताओं से अपील है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 54,226 पोलिंग बूथ बने हैं। मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही है, लेकिन कुछ सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे तक होगी। ये सीटें बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले में हैं। विधानसभा चुनाव में यूं तो कई राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वोट देने के बाद सीएम शिवराज ने की तस्वीर शेयर। उनके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी और आम आदमी पार्टी भू सूबे के कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। असुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी राज्य के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सूबे में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी। नामांकन और स्क्रूटनी जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आज यानी 17 नवंबर को मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर हुए मतदान की गणना 3 दिसंबर को अन्य राज्यों के साथ होगी। सूबे के चुनाव प्रचार 15 नवंबर के शाम थम गया, क्योंकि मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशी डोर टू डोर जनता से संपर्क करते हैं। चुनाव को लेकर सूबे के सीएम लगातार जनता से संपर्क कर रहे थे, वो लोगों से मिलकर उनसे वादे कर रहे थे। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में लगे थे और चुनाव हो रहा है, ऐसे में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने भी वोट डाला है, जिसका फोटो शिवराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपलोड किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।